जितनी भी कोई फाउंडेशन हमारे साथ रही है इस वेन्यू या इस सेशन को अरेंज करने में, मैं तहे दिल से एंड टुडे वी आर हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन. हम लोग बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वापसी में कोविड में एक दो सेशन करवा चुके हैं, लेकिन इस नए कैंपस में तो सबसे पहले यू नो यू शुड एक्नॉलेज अस. ओके, जैसे बताया कि मैं नजम शहर हूँ. हम लोग मार्केटिंग टू दिस अवेयरनेस सेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर विच इज सच अ सेंसिटिव इशू रिलेटेड टू द फीमेल. As we know that in Asia, 1 in 9 female are suffering with breast cancer. So I welcome the team of Shaukat Khanam Cancer Hospital for this awareness seminar, and looking forward to a healthy end. Today is our team that no one should face breast cancer alone. What is the breast cancer? Breast cancer is a malignant tumor that begins in the cell of the breast. It is one of the most common cancer in the men, also in the women worldwide. Thanks to your management for organizing this event for us, and so we can talk about this very important topic, that is sadly very pregnant up to your cervical nodes. So it makes it very difficult to treat, क्योंकि आप हर organ तो remove नहीं कर सकते, ठीक है, आप हर organ को chemo या radiation. So now we will come to the main crux of the conversation again. जब सबसे पहले आप अपनी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको कुछ कैंसर किया है क्या? एक्सपीरियंस होते हैं वो जिसको देख के भी या टच करके भी बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस या लाइफ तो यूजुअली लाइपोमास या वाटर सिस्ट्स होते हैं. अमूमन जो खवातीन कोई हॉर्मोन्स जो मेनोपॉज के बाद कुछ खाती है मूड को बैलेंस करने के लिए या इस तरह की प्रोमेंसिव टाइप टैबलेट्स, तो उनमें छोटे छोटे ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है. दे आर नॉट बिनाइन, दे आर नॉट मैलिग्नेंट, दे आर जस्ट सिस्ट. क्योंकि वो ऐसे मेडिकेशंस करते हैं जिससे वो मेल हारमोन्स को लोअर करते हैं और फीमेल हारमोन्स को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट की ये अनकंट्रोल सा ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज जो होती हैं वो स्वेलअप हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है ये इसके बिग साइन है और ब्रेस्ट कैंसर इसकी वजह से काज हो जाता है.